नमस्कार दोस्तों, आरएस लेक्चर्स में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु के बारे में और अधिक से अधिक फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे राजस्थान की जलवायु के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको भारत ये ग्लोब का दर्शन करा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा मैं आगे क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, आगे राजस्थान की जलवायु पढ़ने के लिए थोड़ा विश्व पर एक बार दृष्टि डालना जरूरी है और थोड़ी हम भारत की जलवायु के ऊपर भी दृष्टि डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये मैंने पूरी पृथ्वी को दिखाया है, ग्लोब को दर्शाया है। यहाँ पर सबसे बीचों बीच में एक रेखा दर्शाई गई है, जिसको मैंने 0 डिग्री इंडिकेशन दिया है, 0 डिग्री यहाँ पर, 0 डिग्री यहाँ पर। तो ये भूमध्य रेखा है ये, क्योंकि ये ना ये पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। ये काल्पनिक रेखा है, मानी गई, ये कोई वास्तविक रेखा नहीं है कि ग्लोब पर या फिर संसार में ये खींची हुई है, लेकिन ये काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ये हमारे हमारे अध्ययन को ईजी बनाती है, हमारी लाइफस्टाइल को ईजी बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 0 डिग्री ये पूरी भूमि को, पूरी ग्लोब को दो भागों में डिवाइड कर रही है, इसलिए हम इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। याद रखेंगे, ये इक्वेटर कहते हैं इंग्लिश में इसको, भूमध्य रेखा। ठीक है, 0 डिग्री या भूमध्य रेखा के ऊपरी हिस्सा, जो उत्तरी हिस्सा है, उसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। 0 डिग्री से 90 डिग्री का हिस्सा कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध। और 0 डिग्री से 90 डिग्री नीचे दक्षिणी हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे ये उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है ये वाला, और ये दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा 0 डिग्री से नीचे। उसके बाद में हम देखेंगे 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर ये उष्णकटिबंधीय हिस्सा है, उष्णकटिबंधीय। और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण में भी उष्णकटिबंधीय हिस्सा आता है। ये उष्णकटिबंधीय इसको नाम दिया गया है, क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा वर्ष भर सीधी पड़ती हैं लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है, इसलिए इसको उष्ण, उष्ण का मतलब गर्मी। ठीक है, तो इसलिए उष्णकटिबंधीय नाम दिया गया है। और जो 23.5 डिग्री रेखा है, इसको हम क्या कहेंगे? कर्क रेखा। इसको अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर रेखा का नाम दिया गया। ठीक है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उसको हम कहेंगे कर्क रेखा, अंग्रेजी में कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड जो 23.5 डिग्री दक्षिण में है ये वाली रेखा, उसको हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर रेखा। ओके, अब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाला रीजन, ये शीतोष्ण रीजन है। यहाँ पर शीत प्लस उष्ण दोनों का मेल है, इसलिए इसको शीतोष्ण नाम दिया गया, जैसा कि आप नाम से पता कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यही स्थिति, यही दशा 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में भी पाई जाती है। ओके, और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का हिस्सा शीत कटिबंधीय कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत नाम मात्र की आती हैं कहीं कहीं। यहाँ आप देखेंगे 90 डिग्री जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कहा गया है, ऊपर उत्तरी ध्रुव नीचे दक्षिण ध्रुव, तो यहाँ पर तो सूर्य की किरणें पहुँच ही नहीं पाती हैं लगभग। तो 6 महीने की दिन 6 महीने की रात आपने सुने होंगे। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये बताया कि कौन सा शीत कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध। उसके बाद हम आगे चलेंगे, आगे हम देखेंगे, आगे देखो मैंने आपको इसी मैप, इसी जो पिक्चर है उसको दिखाया है मैंने, बस कुछ नहीं किया है, इसको शॉर्ट कर दिया है। देखो ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा को दर्शाया है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, और ये मकर रेखा है। और यहाँ देखेंगे ये सूर्य की किरणें यहाँ पर हमेशा वर्ष वर्ष सीधी पड़ती हैं इस रीजन में लगभग, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उष्णता रहती है, सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है। ठीक है, और ये रीजन उष्ण रीजन कहलाता है, ये ऊपरी 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर में, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण में। ओके, तो सूर्य की स्थिति आप देखेंगे, सूर्य इस तरीके से मूवमेंट करता रहता है यहाँ पर। ओके, देन जब आप देखेंगे उत्तरी गोलार्ध की तरफ ये सूर्य होगा, उत्तरायण की स्थिति कहेंगे इसको, 0 डिग्री से ऊपर उत्तर की तरफ, तो यहाँ पर देखेंगे कि इस रीजन में, जो उत्तरी गोलार्ध वाले रीजन में, सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ेंगी। जब सीधी पड़ेंगी तो क्या होगा, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही सूर्य दक्षिणायन की स्थिति होगी यहाँ पर, तो सूर्य की दक्षिणायन की स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर सूर्य की किरणें यहाँ तो आपको देखेंगे सीधी पड़ रही थी इस तरीके से लगभग, तो ज़्यादा तापमान यहाँ पर ये भूमि ग्रहण कर रही थी। लेकिन जब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से बहुत तिरछी सूर्य की किरणें पड़ेंगी और सूर्य का ताप कम ग्रहण होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर शीत ऋतु की अवस्था होगी। तो आप समझ रहे हैं ना, अगर सूर्य उत्तरायण की स्थिति में है, उत्तर दिशा की तरफ है, ठीक है, 0 डिग्री से, तो वह ग्रीष्म ऋतु की स्थिति होगी, क्योंकि ताप ज़्यादा गेन करेगी पृथ्वी। और अगर
यही सूर्य अगर दक्षिण की तरफ गया हुआ है, दक्षिणायन की स्थिति में है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, शीत ऋतु की स्थिति होगी। तो इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी जस्ट उल्टा ही होता है, आप समझ पा रहे होंगे। अगर सूर्य उत्तर की तरफ गया हुआ है, उत्तरायण है, तो यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी, और अगर सूर्य आ गया है दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी। समझ पा रहे हैं ना आप? ठीक है, तो हम ज्यादातर उत्तरी गोलार्ध पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा ज्यादातर पूरा विश्व उत्तरी गोलार्ध में ही है, और हमारा भारत भी उत्तरी गोलार्ध की स्थिति में। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे, आगे इसी क्रम में देखेंगे कि आज के समय में जेट स्ट्रीम का सिद्धांत और एलनीनो का सिद्धांत बहुत सर्वमान्य सिद्धांत है इस जलवायु के अध्ययन करने में। जलवायु के अध्ययन, देखो जलवायु ताप दाब आर्द्रता वायु की वायुमंडलीय दशाएं, यह जलवायु होती है जलवायु। और देखो अगर हम लघु समय अवधि में, अगर जैसे आज के वक्त को हम, आज का दिन को हम कंसीडर करके चलें कि आज के समय में तापमान कितना है, आर्द्रता कितनी है, वायु दशाएं कैसी हैं, ठीक है, तो हम उसको मौसम कहेंगे। मतलब लघु अवधि के लिए अगर हम ताप दाब आर्द्रता इत्यादि एवं वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको मौसम शब्द हम देंगे। ठीक है, मौसम हो सकता है कि हम एक दिन के लिए उसका अध्ययन कर रहे हैं, 7 दिन के लिए कर रहे हैं, 10 दिन के लिए कर रहे हैं, 1 महीने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और इसी क्रम में अगर हम इसको दीर्घ अवधि में अध्ययन करते हैं, तो उसको जलवायु नामकरण दिया गया है। बस ज्यादा अंतर नहीं है मौसम और जलवायु में, अंतर बस लघु अवधि और दीर्घ अवधि का अंतर है। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारे भारत के अंदर जो वर्षा होती है वो जेट स्ट्रीम के सिद्धांत दिया गया है उसके लिए, और एलनीनो का एवं दक्षिणी अवतोलन क्रिया, इसको पूर्ण रूप से ये कहते हैं ENS थ्योरी, ये सिद्धांत दिया गया। लेकिन इससे पहले भी एक पारंपरिक सिद्धांत था जिसकी मान्यता थी, उसके बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं, जिससे आपको इन सिद्धांतों को भी समझने में आसानी रहेगी। हालांकि हम इन सिद्धांतों को भारत की जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तभी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम पारंपरिक सिद्धांत को जानेंगे कि सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हवाएं चलती क्यों हैं। हवाएं चलती हैं हमेशा उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के कारण। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? उच्च वायुदाब जिसको हम हाई प्रेशर कहेंगे, ठीक है, और निम्न वायुदाब जिसको हम लो प्रेशर कहेंगे। इसके कारण ये वायुदाब में अंतर के कारण ही वायु चलती हैं। अगर और वायु हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर अर्थात उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। अब हाई प्रेशर और लो प्रेशर कहाँ होता है इसको समझेंगे हम। उच्च वायुदाब कब होगा, जब क्या होगा कि वायु ठंडी होगी, वायु अगर ठंडी होगी मतलब अगर वायु का तापमान कम होता है तो वायु ठंडी होगी, वायु ठंडी होगी तो वायु हमेशा नीचे की तरफ बैठती है इस प्रकार, समझ रहे ना, वायु हमेशा नीचे की तरफ बैठेगी। आपको मैं दूसरा, ठीक है, वायु हमेशा नीचे की तरफ बैठेगी। और उसके बाद में अगर जहाँ पर निम्न वायुदाब है, निम्न वायुदाब का मतलब है कि वहाँ पर गर्मी है, तापमान बढ़ रहा है, ठीक है, तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, वायु गर्म होके ऊपर की तरफ उठेगी, देखो इस प्रकार से। ठीक है, वायु जब ऊपर की तरफ उठेगी तो ये वायुदाब में यहाँ पर अंतर क्रिएट होगा। तो ये वायु जब ऊपर की तरफ उठेगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वापस आके ठंडी होगी, फिर यहाँ बैठेगी, तो ये एक क्रम चलता है। ठीक है, वही वायुदाब का क्रम चलता है, और वायु हमेशा इस प्रकार देखेंगे आप, हाई प्रेशर उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। ठीक है, तो हम आगे की तरफ आगे जानेंगे। ओके, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले पारंपरिक सिद्धांत। देखो सबसे पहले मैंने आपको भारत का नक्शा ड्रॉ करता हूं आपको, ठीक है, ये मैंने भारतीय प्रायद्वीप का थोड़ा आउटलाइन ड्रॉ किया है आपको, ये भारतीय उपमहाद्वीप है ना, और यहाँ पर आप देखेंगे कि चारों तरफ भारत के समुद्री समुद्र है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कौन सा समुद्र है, यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये श्रीलंका का कुछ हिस्सा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जब सूर्य की स्थिति यहाँ पर होगी, सूर्य जब उत्तरायण होगा तो आपको पता है क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी, तो ग्रीष्म ऋतु होगी तो क्या होगा, यहाँ पर ये हमारी भारतीय भूमि है तो भारतीय भूमि गर्म होगी, गर्म होगी तो क्या होगा, आपको पता है कि वायु ऊपर उठेगी, गर्म होगी, हल्की होगी ऊपर उठेगी, तो यहाँ पर क्या कौन सा निम्न वायुदाब जिसको हम लो प्रेशर कहते हैं, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है,
और स्थलखंड की हमेशा ये विशेषता रहती है कि स्थलखंड हमेशा शीघ्रता से गर्म नहीं होता, हमेशा लेट सॉरी 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 हमेशा स्थलखंड जल्दी से गर्म होता है और जल्दी से ठंडा होता है। लेकिन जो आसपास का जो हमारे यहाँ पर पानी का हिस्सा है, समुद्र का हिस्सा है, तो ये पानी की विशेषता रहती है कि हमेशा धीरे से गर्म होता है और धीरे से ही ठंडा होता है, मतलब धीमे धीमे ही प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों की तुलना करें तो यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा क्योंकि यहाँ पर इनके तापमान में अंतर होगा और पानी का तापमान अधिक होगा, सॉरी पानी का तापमान कम होगा और स्थलखंड का तापमान अधिक होगा। तो यहाँ हाई प्रेशर उच्च वायु दाब क्रिएट हो जाएगा, यहाँ निम्न वायु दाब क्रिएट हो जाएगा। जब हम देखेंगे उच्च वायु दाब और निम्न वायु दाब क्रिएट हो जाएगा तो आप ही बताएं मुझे कि वायु कहाँ से कहाँ चलेगी। वायु सीधी सी बात है उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलेगी, कुछ इस प्रकार है ना, इस प्रकार वायु चलेगी। तो यही एक बरसात का सिद्धांत है, जो हमारा पारंपरिक सिद्धांत है कि वायु कब चलेंगी, वायु चलेगी जब उच्च वायु दाब में अंतर आएगा। ठीक है, अब हम कहेंगे बरसात कैसे होगी, बरसात ये होगी, यहाँ पर आप देख रहे हैं समुद्री हिस्सा है, समुद्री हिस्सा है, तो ये वायु क्या करेगी, यहाँ की आर्द्रता ग्रहण कर लेगी, पानी से गुजर रही है तो आर्द्रता ग्रहण कर लेगी, और आर्द्रता ग्रहण कर लेगी तो एक सैचुरेशन की अवस्था आएगी, संतृप्त अवस्था आएगी और बादलों का निर्माण करेगी, और बादलों का निर्माण करेगी आपने आगे सिद्धांत पढ़ेंगे और हम आगे भी पढ़ेंगे, भारत की ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे तो इसको डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि आर्द्रता ग्रहण करने के बाद बादल बनेंगे, सैचुरेशन की अवस्था आएगी और उसके बाद में हमारे यहाँ पर मानसून आता है। ठीक है, जिसको हम मानसून कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे स्थिति जानेंगे। इसी प्रकार जेट स्ट्रीम की यहाँ पर परिकल्पना की गई है, जेट स्ट्रीम के बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे हम, ये जानेंगे क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में पश्चिम से पूर्व की तरफ लगभग इस प्रकार यहाँ एक जेट स्ट्रीम की धारा चलती है। ठीक है, इसे ये आपको पता होगा कि जेट स्ट्रीम की धारा कब खोजी गई, इसलिए इसका नाम जेट स्ट्रीम दिया गया अमेरिका के विमानों ने। ठीक है, इत्यादि। ठीक है, और एलिनो की परिकल्पना, ये भी एक नवीन परिकल्पना है। इसमें ये होगा कि आप दक्षिणी जो अमेरिका है वहाँ पर पेरू के तट पर वहाँ पर एक धारा, गर्म धारा उत्पन्न हो जाती है जो लगभग सामान्यतः 4 से 5 साल में जनरेट होती है, तो वो हमारे मानसून को, हमारे भारतीय मानसून को बहुत प्रभावित करती है क्योंकि तापमान वहाँ पर जनरली ठंडा रहता है। ठीक है, वहाँ हम्बोल्ट की धारा होती है। ठीक है, तो वो ठंडा रहता है लेकिन फिर क्या होता है 4 साल में या 5 साल में कुछ वर्षों के अंतराल के बाद में वहाँ अचानक से गर्म धारा उत्पन्न हो जाती है जिससे हमारा मानसून क्षीण हो जाता है और हमारे भारत में मानसून आने में देरी हो जाती है। ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन आज हम राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे हैं इसलिए ज़्यादा नहीं जानेंगे। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भारतीय मानसून है उसको भी 2 शाखाएं मानी जाती हैं, एक अरब सागर की, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा मानी जाती है। ठीक है, तो हमारे राजस्थान की स्थिति लगभग यहाँ पर है, आप देख पा रहे हैं, ये देखो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हमारे राजस्थान की स्थिति कुछ ठीक है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, ये राजस्थान की स्थिति है। जब ये मानसून आता है, आप देखेंगे, मैं आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, जैसे आपको ये रहेगा। तो जब ये मानसून की शाखा आती है यहाँ पर, यहाँ पर जब ये अरब सागर की शाखा आती है, हमारे आपको पता है ये अरावली की स्थिति, यहाँ पर ये अरावली की स्थिति, अरावली इस तरीके से गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से दिल्ली तक फैली हुई है, तो ये अरावली की शाखा यहाँ पर एकदम सीधी सीधी इसके पैरेलल समांतर निकल जाती है। इस कारण राजस्थान में वर्षा कम होने का कारण अगर पूछ लिया जाए तो ये सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि अरब सागर की जो शाखा है वो अरावली के समांतर सीधी सीधी समांतर रूप से निकल जाती है जिससे कोई उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं होती और इस कारण राजस्थान में वर्षा की मतलब भारी कमी होती है, समझ पा रहे हैं ना। और दूसरी जो हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा है यहाँ पर, ये बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है, वो टकरा के आती है, जब तक यहाँ पर आती आती है ना, वो उनके बादलों में वो पानी नहीं रहता। ठीक है, बादलों में पानी की कमी आ जाती है, हालांकि यहाँ वर्षा होती है पूर्वी भाग में, इसीलिए यहाँ पूर्वी भाग हरा भरा है। यहाँ पर अगर देखेंगे पश्चिम बंगाल में 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो उसके आगे 150 सेंटीमीटर वर्षा बिहार में होगी। ठीक है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में लगभग 120 सेंटीमीटर के आसपास हो जाएगी, यहाँ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से तक आते आते 100 सेंटीमीटर के आसपास, और राजस्थान के अंदर उत्तर एंटर करते करते लगभग 80 सेंटीमीटर के आसपास बरसात
उत्पन्न होगी। तो वही चीज है कि यहाँ जो बंगाल की खाड़ी की शाखा आ रही है वो उसमें बादलों में वो पानी नहीं रहेगा, बादलों की क्षमता कम होती जाएगी, पानी धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा, लेकिन फिर भी जो भी बचा कुचा जो जल लेके आ रहे हैं बादल वो यहाँ पर बरसात गिरा देते हैं, और कुछ जो बादल हैं वो इसको पार करके भी, अरावली को पार करने के बाद में भी यहाँ पर बरसात करते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर देखेंगे 20 से 25 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है। ओके, देन हम आगे की तरफ जाएंगे, राजस्थान की जलवायु का अध्ययन कर रहे हैं हम। राजस्थान की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है, समझ रहे हैं आप क्यों है। आप देखेंगे कि राजस्थान का मैप मैं आपको बना देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर राजस्थान का मैप ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद में हम ठीक है मैं राजस्थान का मैप ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन इतना अच्छा ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा हालांकि, है ना, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक आउटलाइन दे सकूँ, ठीक है, जिससे आप समझ सकूँ राजस्थान की स्थिति, है ना। तो ये मैंने राजस्थान का एक मैप ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद में मैं यहाँ पर पेंट का कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको आसानी रहेगी। ओके, देन अब हम देखेंगे कि मैंने आपको रेखाएं बताई, कर्क रेखा, मकर रेखा, तो यहाँ पर हमारे राजस्थान की स्थिति लगभग 23 डिग्री 03 मिनट से ऊपर देखेंगे उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 12 मिनट तक है। तो राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा से यहाँ पर कर्क रेखा गुजरती है, देखो इस प्रकार, ये इस प्रकार की स्थिति रहेगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया 0 डिग्री से कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री की स्थिति उष्ण कटिबंधीय स्थिति आती है। तो यहाँ पर ये उष्ण कटिबंधीय हिस्सा, यहाँ पर काफी बरसात होती है, ये वाला हिस्सा डूंगरपुर बांसवाड़ा का हिस्सा, ठीक है। और उसके बाद में ये वाला हिस्सा कौन सा होगा, शीतोष्ण प्रकार का होगा, इसको उपोष्ण भी कहते हैं, तो ये हिस्सा उपोष्ण है। तो राजस्थान की जो ज्यादातर पूरा हिस्सा है कर्क रेखा के ऊपर है, जिसको हम उपोष्ण हिस्सा है, उपोष्ण कटिबंधीय हिस्सा कहते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे सबसे बड़ा फैक्ट, एक तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर से गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और राजस्थान की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है, और राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा देखेंगे तो 57 सेंटीमीटर राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा है। याद रखने योग्य तथ्य हैं ये जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आपको याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। राजस्थान में मानसून का प्रवेश लगभग 15 जून को होता है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, 15 जून को यहाँ पर लगभग शायद बांसवाड़ा के आसपास यहाँ प्रवेश करता है ना मानसून। लेकिन ये फैक्ट ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि 15 जून को ही प्रवेश करेगा। आप अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़ में आए दिन कि मानसून हो सकता है लेट आने की संभावना है, इस बार है ना 7 दिन 10 दिन लेट आएगा, 1 जुलाई को आ रहा है, ठीक है। तो ये घटनाएँ होती रहती है। उसके बाद में हम राजस्थान की जलवायु को पांच भागों में बांटा है, कौन कौन सी, शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आद्र जलवायु प्रदेश, आद्र जलवायु प्रदेश, अति आद्र जलवायु प्रदेश। हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे, ठीक है, ब्रीफली करेंगे, ज़्यादा डिटेल से जानने की कोशिश नहीं करेंगे। ओके, सबसे पहले मैंने आपको ये राजस्थान के मैप के अंदर ड्रॉ कर दिया है कि कौन कौन से प्रदेश हैं। ये पहला प्रदेश है, कौन सा प्रदेश है बताइए, ये शुष्क जलवायु प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, ओके, देन ये आएगा उपाद्र जलवायु प्रदेश, फिर आद्र जलवायु प्रदेश आएगा, और ये है जो चौथा रीजन है, पांचवा रीजन है जो आपको डार्क ग्रीन कलर में दिखाया, जिसमें ये भी इंक्लूड है और ये रीजन भी इंक्लूड है, ये कौन सा प्रदेश है, अति आद्र जलवायु प्रदेश, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुष्क जलवायु प्रदेश का अध्ययन करेंगे। शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले आ रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसलमेर जिला आ रहा है, बाड़मेर जिला आ रहा है, जालौर का कुछ हिस्सा आ रहा है, जोधपुर का कुछ हिस्सा आ रहा है, नागौर का पश्चिमी हिस्सा आ रहा है, बीकानेर और श्रीगंगानगर का उत्तरी हिस्से को छोड़ दें और हनुमानगढ़ के उत्तरी पूर्वी हिस्से को छोड़ दें तो बचा हुआ हिस्सा एवं चूरू का पश्चिमी और पश्चिमी हिस्सा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा शुष्क प्रदेश में आता है। जैसा कि हमने जब हम मरुस्थल का अध्ययन कर रहे थे, यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, आप वर्षा की स्थिति देखेंगे, यहाँ 20 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा नहीं होती, और यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ वर्षा नहीं होगी वहाँ वनस्पति का डायरेक्ट संबंध होगा, तो यहाँ पर वनस्पति भी बहुत न्यून पाई जाती है, कुछ छोटे मोटे कांटेदार वृक्ष नाम मात्र की अगर आपको रेल देखने को मिल जाए तो पाए जाएंगे। ओके, तो देन हम यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर वार्षिक तापांतर सर्वाधिक रहता है,
वार्षिक तापांतर और दैनिक तापांतर, क्योंकि आपको पता है कि रेत होती है, रेत शीघ्र ही गर्म होती है, शीघ्र ही ठंडी होती है। दिन में तो इसका पारा बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है और रात में वही रेत शीतलता प्रदान करती है, तो तापमान में अंतर आ जाता है। ओके, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश हम देखेंगे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ का कुछ छोटा छोटे छोटे भाग आ रहे हैं, छोटा छोटा क्षेत्र आ रहा है, चूरू का कुछ क्षेत्र आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे झुंझुनू का, सीकर का थोड़ा सा हिस्सा आ रहा है, नागौर का मध्यवर्ती भाग आ रहा है, यहाँ पर जोधपुर का भी कुछ हिस्सा आ रहा है जो पूर्वी हिस्सा है, उत्तर पूर्वी हिस्सा, और यहाँ पर थोड़ा सा पाली का और जालौर का हिस्सा आएगा। तो ये हमारा अर्धशुष्क प्रदेश है, यहाँ पर वर्षा, वार्षिक वर्षा यहाँ पर ठीक है कितनी आती है, 20 से 40 सेंटीमीटर के आसपास होती है ना। और यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ, सेवन और धावन घास की प्रधानता रहती है। ठीक है, यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है, लगभग कृषि और पशुपालन ही करते हैं ज़्यादातर, पशुपालन भेड़ है, बकरी है, ठीक है, ये उद्योग यहाँ पर बहुत ज़्यादा विस्तृत मात्रा में है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे उप आद्र जलवायु प्रदेश, जो कि यहाँ पर मैंने एकदम लाइट ग्रीन कलर में दिखाया है। सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट की स्थिति जान लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे अलवर जिला है, जयपुर है, सीकर की कुछ, सीकर का कुछ क्षेत्र है, झुंझुनू का है, ठीक है, उसके बाद में नागौर है, अजमेर है ना, और ये पाली जिले की कुछ स्थिति है, राजसमंद है ना। तो ये आप देखेंगे सिरोही है, तो ये जिले हैं उपाद्र जलवायु प्रदेश के अंदर आते हैं। यहाँ पर 40 से 60 सेंटीमीटर लगभग ठीक ठाक वर्षा होती है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर नीम, बबूल, आंवला, खैर, ठीक है, हरड़, इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, मतलब ठीक वर्षा होती है तो यहाँ पर थोड़ी आसान है ज़िंदगी। ओके, देन अब हम देखेंगे आद्र जलवायु प्रदेश। आद्र जलवायु प्रदेश में काफ़ी अच्छी वर्षा होती है, जो यहाँ पर मैंने इस रंग में दिखाया है, थोड़ा ग्रीन कलर है ना। उसके अंदर हम देखेंगे धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, है ना, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, तो ये वाला हिस्सा आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छी वर्षा होती है, यहाँ पर जब अच्छी बरसात होगी तो वनस्पति भी उत्तम प्रकार की पाई जाती है। यहाँ पर नीम है, इमली है, आम, शहतूत, गुलाब, गूगल, ठीक है, जामुन, पीपल, बरगद इत्यादि अच्छे पेड़, मतलब जो अच्छे वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो शीतलता प्रदान करते हैं, अच्छी छाया भी होते हैं और काफ़ी घने होते हैं, ठीक है। और अब हम आगे देखेंगे कि अति आद्र जलवायु प्रदेश। अति आद्र का मतलब है यहाँ पर आर्द्रता से भी अधिक, मतलब ज़्यादा बरसात होती है। यहाँ पर देखेंगे, मैंने आपको बताया कि डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर कर्क रेखा गुजरती है, आप याद रखेंगे हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया 23.5 डिग्री अक्षांश है, तो सीधी सी बात है, आपको पता है 23.5 डिग्री के आसपास का क्षेत्र ज़्यादा उष्ण रहेगा, यहाँ पर सब सर्वाधिक वर्षा होती है। आपको पता है भूमध्य रेखा के जो रीजन है वहाँ पर चार बजे की बरसात होती है, उसको खा जाता है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है प्रीलिम्स, मेंस, मेंस में भी कई बार आए हैं, आईएएस में और आरएएस में भी, कि चार बजे की वर्षा से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो आप इसके बारे में भी थोड़ा अध्ययन करेंगे, इसके बारे में रिसर्च करेंगे और आप इसका उत्तर भी खोजने की कोशिश करेंगे, है ना। तो यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, यहाँ पर आप देखेंगे कि बांसवाड़ा का कुछ रीजन, प्रतापगढ़ का कुछ रीजन है, उदयपुर का पश्चिमी हिस्सा है ना, और डूंगरपुर का भी और सिरोही का भी कुछ कुछ क्षेत्र आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे झालावाड़, बारा और कोटा का हिस्सा भी यहाँ पर इसमें आ रहा है। यहाँ पर बहुत उष्णकटिबंधीय जो संबंध रखते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु से, उस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे आम, शीशम, सागवान, बांस, जामुन, खैर, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छी बरसात होती है, लगभग 80 सेंटीमीटर से ऊपर बरसात होती है, 80 से 100 सेंटीमीटर बरसात होती है, ठीक है ना। तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर काली मृदा भी पाई जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में देखेंगे सबसे पहले अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति कैसे प्रभावित करती है, आपने सबसे पहले ही मैंने आपको एक मैप में दिखाया था, एक चित्र में दिखाया था कि सूर्य की स्थिति जो अक्षांशीय स्थिति है, अगर देखेंगे 0 डिग्री पर स्थित है ना, कोई रीजन 0 डिग्री पर स्थित है, कोई 80 या 90 डिग्री के आसपास स्थित है, तो वहाँ देखेंगे कि आप सूर्य की किरणों में अंतर पाएंगे, सूर्य के ताप ग्रहण क्षेत्र में अंतर पाएंगे, कि अगर देखेंगे शीत कटिबंधीय क्षेत्र हैं, शीत या शीतोष्ण, वहाँ पर तापमान कम प्राप्त करती है भूमि, लेकिन जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है 0 डिग्री के आसपास, 0 से 23 डिग्री, वहाँ तापमान अधिक प्रभावित करती है। सीधी सी बात है, जब तापमान का अंतर होगा तो जलवायु में भी अंतर होगा। ओके, समुद्र तट से दूरी भी बहुत बड़ा कारक होती है। जैसे अगर हम भारत की स्थिति जानेंगे तो भारत के यहाँ पर ये समुद्री स्थिति, यहाँ पर अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ पर ये
सम जलवायु रहती है, यहाँ पर समान जलवायु रहती है, क्योंकि आप देखेंगे पानी का तापमान कम होता है, पानी का तापमान कम होगा, स्थल का तापमान अधिक होता है, तो पानी के तापमान यहाँ पर जितना कम होगा उसके आसपास का जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर भी तापमान में गिरावट आएगी, तापमान में गिरावट आएगी तो यहाँ पर समान जलवायु क्षेत्र होगा। तो समुद्र तट से दूरी प्रभावित करती है, अगर यहाँ पर समुद्र से आसपास रीजन है तो उसका तापमान कम होगा, ठीक है, अगर यहाँ बीच में है जैसे मध्य प्रदेश या राजस्थान जैसी स्थिति है, ठीक है, हरियाणा जैसी स्थिति है, तो यहाँ पर तापमान अत्यधिक अधिक ही होगा, ठीक है, उसकी तुलना में। धरातल की बनावट देखेंगे कि धरातल की अगर मिट्टी की बनावट आप देखेंगे, अगर रेतीली मृदा है या काली मृदा है, कपासी मृदा है ना, तो रेतीली मृदा में आप देखेंगे कि जो कणों के बीच में दूरी अधिक होती है, कणों के बीच में अधिक दूरी अधिक होती है तो जल्दी ही गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन काली मृदा में जस्ट अपोजिट है, उसमें दूरी कम होती है तो जल्दी से ना तो गर्म होती है, जल्दी से ना ही ठंडी होती है, तो तापमान में भी अंतर आता है ना, समझ रहे ना। उसके बाद हम समुद्र तल से ऊंचाई को देखेंगे, समुद्र तल से ऊंचाई का आपको साक्षात उदाहरण बताता हूँ, माउंट आबू क्षेत्र, और अगर किसी भी जयपुर या प्लेन रीजन देख लें भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का, कि आप देखेंगे कि ऊंचाई का एक कंसेप्ट होता है 165 मीटर डिग्री समुद्र तल से अगर ऊपर जाएंगे ना 165 मीटर, तो एक डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आंकी जाती है। तो आप देखेंगे कि गुरु शिखर है माउंट आबू रीजन में 1722 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, और आप प्लेन का रीजन देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 मीटर ऊंचा होता है समुद्र तल से, है ना। तो इनमें आप अंतर देखेंगे, तापमान में अंतर पाया जाएगा, जब आप सोच सकते हैं 165 मीटर ऊपर जाने पर एक डिग्री सेंटीमीटर तापमान कम होता है, तो 1722 मीटर ऊपर जाने पर कितने डिग्री सेंटीमीटर तापमान कम हो जाएगा, और प्लेन से कंपेयर करें, मैदान से कंपेयर करें, तापमान हमेशा उसका कम ही होगा, ठीक है, ऊंचाई वाले रीजन का। तो आप देखेंगे स्थानीय पवनें भी प्रभावित करती हैं, जैसे राजस्थान में लू चलती है वो तापमान को लघु अवधि के लिए बढ़ा देती है, ठीक है, आंधियाँ चलती हैं ग्रीष्म ऋतु में जो बहुत तापमान को प्रभावित करती हैं, दूभर कर देती हैं जिंदगी को, ठंडी एवं गर्म जल धाराएँ भी प्रभावित करती हैं, अगर कोस्टल रीजन पे है क्षेत्र, जैसे हम्बोल्ट की धारा है, ठीक है, तो इस तरीके की ये धाराएँ अगर ठंडी धारा है तो तापमान को गिरा देती हैं। सम प्रभाव जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, ये समुद्र तट से दूरी, अगर यहाँ पर गर्म धाराएं जल धाराएं प्रभावित हैं तो यहाँ तापमान बढ़ा देती है, ठीक है। तो आज हमने जाना जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का भी अध्ययन किया, उसके बाद में मैंने आपको कल क्वेश्चन दिया था उसका आंसर आपको ढूंढना था, जिससे ये देखेंगे आप सब सही सुमेलित हैं। मरुस्थल 33 सागर से उत्पत्ति हुई है, अरावली की गोडवाना लैंड से हुई है, पूर्वी मैदान की 33 सागर से हुई है, हाड़ौती के पठार की गोडवाना लैंड से उत्पत्ति हुई है, एग्जैक्टली सही तौर पर मिले हुए हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।